आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। फिर गहराया टीके का संकट, रुक गया वैक्सीनेशन का कार्य, सरकार की कोशिशों को लग रहा झटका। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से टीके की कमी ने सरकार को परेशान करना शुरू कर दिया है। लगभग सभी जिलों में स्टॉक समाप्ति के कगार पर आ गया है। यही वजह है कि मुख्य केंद्र को छोड़कर बाकी सभी केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्य रोक दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि टीके की आपूर्ति होने पर भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। लाख कोशिशों के बाद भी प्रदेश में कोरोना टीके को लेकर उपजी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। संक्रमण को समाप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का काम तो तेज गति से किया जा रहा है, लेकिन पर्याप्त संख्या में टीका नहीं होने के कारण समय समय पर टीकाकरण की गति धीमी हो जाती है। एक बार फिर से प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य धीमा पड़ता नजर आ रहा है। टीके का संकट गहराने के कारण पहले ही राजधानी रायपुर में वैक्सीनेशन का कार्य रोक दिया गया है। वहीं अब जांजगीर जिले में भी इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है। आलम यह है कि जिला अस्पताल को छोड़कर बाकी सभी केंद्रों में टीकाकरण का कार्य रोक दिया गया है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि टीके की कमी के कारण वैक्सीनेशन का कार्य रोक दिया गया है। जैसे ही टीके की आपूर्ति होगी वैसे ही वैक्सीनेशन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मोर तेराज भाई ना है, कहाँ ले आए आप मन? पेरी ले आए हैं। ये बताइए, आज आप मन कोविड के वैक्सीन लगवाए बराए हैं? हाँ, लेकिन आप मन बता थे कि आज वैक्सीन नहीं लग पाए, नहीं है करके। हाँ। कितना समस्या होती आप मन ला? हाँ तो नहीं होगा अब उतका दूर ले आए हम, धूप माँ सूजी लगवाबो कह के लगात नहीं है तो तकलीफ तो होबे करी है मन ला। फिर आप जाबो तो हाँ तो अटका जाब अस्पताल में जब के सुई नहीं है वन बा तो नहीं लगी तकलीफ है। कुछ नहीं है। हाँ, तो आप अपना पहले नाम बताइए और यहाँ क्या स्थिति है आपकी? मैं उत्तम पाटले, प्रदेश महामंत्री अनुसूचित जाति विभाग का, प्रदेश जिला का उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं 45 प्लस में भी हूँ और आज कोविशील्ड का इंजेक्शन लगाने आया था। यहाँ आने पर पता चला कोविशील्ड के इंजेक्शन नहीं है, तो ऐसी अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। और पता चला कि कलेक्टर साहब भी को आज कोविशील्ड का इंजेक्शन लगेगा, तो मेरा कहना यह है कि कलेक्टर साहब की जिंदगी और आम लोगों की जिंदगी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कलेक्टर साहब जिले कलेक्टर हैं, IAS अधिकारी हैं, तो उन्हें ही जीने का अधिकार है, उन्हें ही वैक्सीन लगाने का अधिकार है। ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और मैं केंद्र और प्रदेश के सरकार को भी अनुरोध करूंगा कि ये विसंगति को तत्काल प्रभाव से दूर करें, ताकि लोगों को समय सीमा पर कोविशील्ड का इंजेक्शन और तमाम जो सुविधाएं हैं सरकार को उसको मिल सके। सेंटर है जिला हॉस्पिटल में, उसमें प्राथमिकता दे रहे हैं दूसरे डोज को, लेकिन कोई सिल्डर नहीं होने के कारण बहुत से हितग्राही वापस जा रहे हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे? जिले में जो कोविशील्ड के वैक्सीन दिए गए थे उसका पूरा उपयोग किया जा चुका है और हमने राज्य शासन से अतिरिक्त डोजेस की मांग की है। उम्मीद है जैसा जानकारी मिला है उसके मुताबिक आज राज्य को कोविशील्ड के 2.5 लाख के आसपास डोजेस मिल रहे हैं। उसमें हमने अपने ज़िले के लिए पर्याप्त मात्रा में मांग की हुई है और शायद आज या कल तक वो प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त होते ही फिर जो अभी कोविशील्ड खत्म होने के कारण पे दिक्कतें हुई हैं उनको फिर से दुरुस्त कर लेंगे। और कारण बहुत लोग वापस जा रहे हैं, कितने वैक्सीन हैं आपके पास अभी उपलब्ध में? अभी हमारे पास काफ़ी कम मात्रा में है कोविशील्ड की वैक्सीन जो है, पूरे जिले में 500 से कम मात्रा में कोविशील्ड की वैक्सीन है, जिसके कारण से कहीं 20 है, कहीं 30 है, कहीं 40 है, तो उसके कारण से हम पूरा सत्र नहीं आयोजित कर सकते उससे। और 9 ब्लॉक में काफ़ी कम मात्रा में होने के कारण से अभी जो फील्ड के जो सत्र हैं उन्हें बंद किया गया है अस्थायी तौर पर। जैसे वैक्सीन हमें पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो उन्हें हम फिर से तत्काल आराम कर लेंगे। वैक्सीनेशन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में तानातानी की स्थिति बनी हुई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों ही स्वास्थ्य मंत्री ने टीके की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। वैक्सीन की कमी को लेकर जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में प्रशासन की कोशिशों को झटका लग सकता है। जांजगीर चांपा से KSN 24 के लिए राम नगारची की रिपोर्ट।